आप सभी का स्वागत है प्लांट्स एंड फ्लावर्स में। अडेनियम को रिपोर्ट करने का सही समय गर्मियों का होता है। अगर पॉट किसी तरह टूट जाए या प्लांट किसी छोटे पॉट में लगा हुआ हो और ग्रोथ नहीं हो रही हो तो आप उसको अभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। सर्दियों में रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। जहां पर अभी भी गर्मी है वहां पर आप प्लांट को नॉर्मल तरीके से ही रिपोर्ट करें, जैसे मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ। आज के टॉपिक में हम सर्दियों से पहले प्लांट को रिपोर्ट करने का तरीका सीखेंगे। आज हम इस प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। देखिए, इस प्लांट की रूट्स पॉट से नीचे से निकल रही हैं। इस प्लांट की रूट बॉल बिना डैमेज किए पॉट से निकाल लेंगे, जिससे रूट डैमेज नहीं हो और प्लांट सेफ रहे। पॉट में नीचे ईंट या पत्थर के टुकड़े डालकर उसमें सॉइल मिक्स फिल कर लेंगे। सॉइल मिक्स में मैंने छोटे छोटे स्टोन, वर्मी कंपोस्ट, सॉइल, कोकोपीट चारों बराबर बराबर लिए हैं। सॉइल मिक्स थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए। अब प्लांट को बीच में रखकर चारों तरफ सॉइल मिक्स फिल कर लेंगे। रूट बॉल को डैमेज नहीं करना है। प्लांट को थोड़ा सा ऊपर उठाकर रिपोर्ट करना है। ऊपर की सॉइल को तोड़ना नहीं है। जब हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो यह धीरे धीरे खुद ही हट जाएगी और कॉडेक्स ऊपर की तरफ दिखाई देने लगेगा। हमने इसकी रूट बॉल को डैमेज नहीं किया है, इसलिए हम इसको सभी प्लांट के बीच में रख देंगे। क्योंकि अब मौसम में ठंडक होने लगी है और इसमें थोड़ी थोड़ी वाटरिंग 3-4 दिन बाद कर देंगे। फिर 7 दिन बाद छोड़कर वाटरिंग करेंगे। 15 दिन में हमारे प्लांट में ग्रोथ होना भी शुरू हो जाएगी। अभी मौसम में ठंडक है तो अभी रिपोर्टिंग नहीं करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर किसी तरह से आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है तो मेरे बताए तरीके से आप प्लांट की रिपोर्टिंग करें, जिससे आपका प्लांट खराब भी नहीं होगा और प्लांट की ग्रोथ भी तेजी से होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।